जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मैं हूँ अभी अपने रसोई में। रसोई में क्या काम कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, और बाहर जाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो आप सभी को कहना चाहती हूँ दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और एक बात और है, पहले ही एडवांस में विश कर देती हूँ अपनी सभी, मेरी जितनी भी मेरी माताएं मेरे साथ में जुड़ी हैं, बहनें जुड़ी हैं, उनके लिए एडवांस में विश करना चाहूँगी। कल है करवा चौथ, तो जितनी भी सुहागन मेरी माताएं बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं उन सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बस माँ करवा से यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ देना और उनकी मांग में हमेशा हमेशा सिंदूर रहे। बस एक जो औरत होती है ना फ्रेंड्स, उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है उसका सुहाग। अगर उसका सुहाग है तो सब कुछ है उसकी ज़िंदगी में। तो माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में बस ऐसी ही खुशियाँ मिलती रहे उनको, और वो हर साल जो है करवा चौथ मनाती रहे। और आगे का मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पे तो बैठा है वंशु। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दाल मैंने बनाई हुई है उसमें तड़का लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हरी मिर्च प्याज लहसुन रखा हुआ है, और हरी धनिया रखी है, साथ में रखे हुए दो टमाटर अभी मैंने इनको काटा नहीं है। और चपाती मेरी बन चुकी है गाय के लिए, जो हमारी पहली रोटी होती है वो तो मैं दे करके आई हूँ। और ये बड़ी सी रोटी है, नमकीन है, ये है हमारे बैलों के लिए। जब भी हम डेली रोटी बनाते हैं ना अपने घर में, तो एक पहली रोटी गाय के लिए और जो लास्ट वाली रोटी होती है वो अपने बैलों के लिए देते हैं। कौन सी दाल बनाई है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है हमारी दाल गल चुकी है, इसको छड़ा था मैंने गैस के ऊपर, ये पक चुकी है। अब मुझे इसमें तड़का लगाना है। और ये देखिए आज जो है मेरी रसोई में खलारा पड़ा हुआ है। अभी वहाँ पर जो है मैंने दूध की मशीन वैसी की वैसी रखी हुई है, कभी कभी फ़ोन फ्लैश मारने लग गया, ये वाला भी मुझे लगता है जाने वाला है फ़ोन, तो इसको रखा हुआ मैंने। अभी बनाई हुई है लस्सी, मक्खन नहीं निकाला इसे, वहाँ पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए। सफाई वाला काम तो रोज़ बताते हैं हम ना, पर आज बताती हूँ मैं आपको। देखिए प्याज लहसुन काटा हुआ है वहीं पे, अभी मेरे कूड़ा पड़ा हुआ है, धनिया काटा हुआ है साइड में, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। बैलों के लिए मैं अभी रोटी लेकर के नहीं गई हूँ, दूसरी गौशाला में जाना है ना वहाँ नहीं गई हूँ। परात अभी फुलके जस्टी चपाती बनाई थी तो वैसी की वैसी है, वो भी पड़ी हुई। अभी सारा जो किचन है मुझे साफ करना है, समेटना है, बर्तन धोने। और इधर रखा हुआ है मैंने तेल गर्म होने के लिए, ये मेरा तेल गर्म हो जाए ना तो मैं फटाफट से दाल में तड़का कर दूँ। जो है यहाँ पे अभी धोने को है, धोए नहीं है क्योंकि मैं खाना बना रही थी। और आज जो है ना मेरी ड्यूटी लगी है सुबह सुबह खाना बनाने की। चेतन गया था स्कूल से 4 दिनों के लिए, स्कूल से बाहर, तो वो आ गया है कल शाम को। तो अभी आज उसको छुट्टी दी है स्कूल से, क्योंकि पहले ना रविवार और शनिवार की छुट्टी थी, 2 छुट्टियाँ थी, तो उनकी जो है क्लासें लग रही थी, तो आज उसको छुट्टी दी है। आज है मंगलवार, तो वो और उसके पापा चले गए हुए घास काटने। सुबह 6:30 बजे चले गए थे वो, 6:30 बजे आजकल अंधेरा होता है, तो वो तब के चले गए थे। और मुझे बोला है कि ब्रेकफास्ट भी लाना है, तूने ही बना करके लंच बना करके रखना है, और बकरियां और पशु भी तू ही लेकर के आएगी। तो मैं अभी 8 बज गए हैं, निपट जाऊँगी, 9 बजे तक कोशिश करूँगी, क्योंकि वंशु को भी स्कूल छोड़ना है, पूरी पूरी कोशिश करूँगी। बाकी तो काम में लग जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारा काम ऐसे भी रह जाता है। और अब जो है ना मेरा, मुझे लगता है तड़का हो ही गया, इसमें फटाफट से कर लेते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा पकेगा तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ, टमाटर नहीं काटे हुए। ये पानी भी गर्म हो गया, ये मैंने रखा था गर्म करने के लिए, कुछ तो आ जाएगा ये मेरे बर्तन धोने के काम, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और कुछ डालूंगी मैं दाल में, क्योंकि दाल मेरी सूख गई थी ना आज, और ठंडा पानी डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको मैंने गर्म किया पानी को। जी यहाँ पे काटे मैंने टमाटर, और टमाटर भी मैंने मोटे मोटे काटे हुए। मैं जब भी टमाटर काटती हूँ ना तो पतिदेव हमेशा यही बोलते हैं कि तेरे को ना टमाटर काटने नहीं आते। तो तड़का हमारा हो चुका यहाँ पे ब्राउन ब्राउन, डाल देते हैं इसमें थोड़े से टमाटर, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी, टेस्ट ख़राब हो जाता है। 2 ही टमाटर लिए हुए, वो भी बहुत बड़े नहीं थे, छोटे टमाटर थे। और ये जो दाल है ना
इसमें डाल दिया मैंने पानी अब, और टमाटर गलाने के लिए ना नमक नहीं डालूंगी बल्कि यही दाल का पानी में डालूंगी थोड़ा सा यहाँ पे। इससे क्या होगा ना, मेरे जो टमाटर है मैंने डाले हुए इसमें, ये जल्दी जल्दी से पक जाएंगे। 2 मिनट के लिए इनको ना पकने दे देती हूँ, और हल्दी डाल देती हूँ इसमें। नमक मैंने दाल में डाल दिया था गलाने के लिए पहले ही। जब तक मेरे टमाटर गलेंगे ना तब तक मैं ये मक्खन निकाल लेती हूँ इसके बीच में से। क्या हमारा मक्खन, और इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से। आजकल तो वैसे ख़राब नहीं होता है क्योंकि अब तो सर्दियाँ होना जो है बहुत स्टार्ट हो गई है, पर गर्मियों में ये पिघल जाता है। आजकल जो है ना ये सेट हो जाता है। तो लो जी ये भी हो गया, पलटी कर ली लस्सी की। तो अब देख लेती हूँ अपना जो टमाटर था रखा हुआ हमने गलाने के लिए, अच्छे से मिक्स। और कुछ धनिया मैं यहाँ पे डालूंगी, कुछ डालूंगी मैं दाल में, और अब डालूंगी मैं वो दाल जो कि हमने पकाई है। इसमें जा करके जो है ना मैंने रसोई का काम ख़त्म किया है, और देखिए पीछे जो है चावल और जिस कढ़ाई में मैंने दाल में तड़का लगाया था ना वो मैंने चूल्हे के ऊपर ही छोड़ दिए। नीचे जो है अंगारे है तो इनसे ना ये गर्म रहेगा जब तक हम आएंगे। और यहाँ पर बनाई है चाय, तो चाय भर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट जो है मैंने यहाँ भर लिया है। ये ले लिया जी हमने थर्मस, और अपनी सॉल को उठा लेते हैं, आ जाते हैं अपनी खेत वाली पोजीशन में, है ना। तो लो जी मैं पहुंच गई जहाँ पे चेतन और पतिदेव जी है, घास काट रहे हैं, और ये देखिए जहाँ पे बकरियाँ हैं ना वहाँ से काटते काटते ये यहाँ पे पहुंच गए। बकरियाँ मैं साथ में ले आई हूँ, पर यहाँ डर रहता है, ये नीचे वाली जहाँ पे बकरियाँ ना ये हमारे ही घास है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, और ये यहाँ से लगे थे जहाँ पे ये हरी हरी हुड चेतन ने खोली है सुबह। और अब तो जो है ना धूप लगी है, तो मैंने इनको चाय और ब्रेकफास्ट दिया, और इसके बाद में जो है हमने फिर से जो घास है वो काटना शुरू कर देना है। और ये देखिए धूप जो है चारों तरफ खिल चुकी है, मौसम कुछ ऐसा है, और ये देखिए सामने के गांव छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना। और ये 2 बची है हमारे पास कुल काटने के लिए। और आपका फिर से स्वागत है सभी का, और अभी जो है शाम के बजे हैं 5:30, 5:35 हुए हैं, और घर में आ गए थे हम दोपहर को, क्योंकि आज हमने ना आधा दिन ही घास काटा, उसके बाद में मैं चली गई थी करवा चौथ की शॉपिंग करने। और क्या क्या मैंने लाया है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, पर कुछ जो भी खास है सबसे खास है वो दिखा देती हूँ। तो वह ये देखिए मेरी जो नई तिल्ली है वो, और शायद आपको दिखेगी नहीं, ये देखिए कैसी है आप लोग बताना मुझे। और मेरे हिसाब से तो मुझे पसंद आई, मैंने ले ली, और साथ में पहनी है ये चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना हरी हरी चूड़ियाँ थी वो मैंने पहले पहनी थी जब सावन था, तो आज मैंने ये पहन लिए क्योंकि करवा चौथ का व्रत मैं भी रखती हूँ। और आप सभी को भी मेरी ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी सभी सुहागिन माताओं बहनों के लिए। और अभी बनाने की हो रही है चाय तैयारी, तो मैं आई थी चीनी लेने, और सबसे खास मेरा कुछ भी नहीं था करवा चौथ का, पर ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने की, और फाइनली मैंने ये ले ही लिया करवा चौथ पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो करवा चौथ तो एक बहाना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मैंने कान वाला ही डाला था, और अब जो है ना एक चीज़ लूँ तो दूसरी ख़त्म हो जाती है। ये नीचे वाली जो डाली थी ना इससे थोड़ी बड़ी थी, वो टूट गई है, तो मैं ले जाना भूल गई, फिर किसी दिन लूँगी, क्योंकि अब शादियाँ भी आ रही है, शादियों का सीज़न शुरू है, तो वो मैं शादी के लिए लूँगी। और आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप सभी से यही कहूँगी फिर मिलेंगे, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।